हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टै थ्री वन थ्री कैसे हैं आप सब लोग आज हम देखेंगे व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं क्या सोचते हैं सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग टिक वॉट प्रेजनेट एंड लीव द रेस्ट अगर आप चैनल पे नहीं हुए हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ई मेल या फिर इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मैंशन है प्लीज चेक इट आउट एंड अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग इट्स अ कलेक्टिव प्रोडक्शन सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल सो यस वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा गाइस इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट देखते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए देखना चाहो तो आप अपने माइंड में उनको रख भी सकते हो ठीक है so, सो देख लेते हैं लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं व्यूअर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं ओके ओके वी हैव डिस्ट्रप्शन इज नंबर वी हैव इट्स अ ट्रम्प सक्सेस नंबर वन देन वी हैव अगेन नंबर वन इट्स अ बेस चक्रा एलेवन नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइक डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर इस पर्सन की जो भी जिनके लिए अगर आप स्पेसिफिकली देख रहे हो अदरवाइज जनरली बात की जाए तो इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ इलेवन हो सकती है लाइफ वात नंबर वन हो सकता है सेवन हो सकता है सेवनटीन बी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है एयरिस जैमिना एलबरावेरिय स्टार साइन हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से को एफ्रीको की एनर्जी भी आ रही है आई थिंक लोग ऐसे uh, सोचते हैं आपके बारे में uh, जैसे उनको लगता है कि आप लोग जो हो ना uh, अपने आपको लाइफ में स्टेबल करने के लिए बहुत शायद एफ़र्ट करते हो या फिर हो सकता है किसी तरह से आपकी लाइफ में उनको लगता है कि स्ट्रगल रही है या फिर आप लोगों की लाइफ में हो सकता है आपने बहुत सारा क्योस देखा है जिसकी वजह से आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ चेंज हो सके अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हो बेसिकली अपने आप को आप स्ट्रॉग करने की कोशिश कर रहे हो, हो सकता है उनको लगता है कि या तो लोग आपका दिल तोड़ देते हैं या फिर फॉर सम ऑफ यू ये लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि उनको लगता है कि आप हो सकता है लोगों का दिल तोड़ देते हो या फिर किसी वजह से उनको हर्ट कर देते हो जिसकी वजह से लोग काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि अगर आप हर्ट होते हो या आपकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस चल रही होती है तो आई थिंक आप समाइम्स कुछ ऐसा बोल जाते हो जिसकी वजह से सामने वाला जो इंसान है वो हर्ट हो जाता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि आप अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस की वजह से टेंशन की वजह से लोगों को समहाओ कुछ बोल जाते हो जिसकी वजह से शायद या तो लोग आपसे मिसकम्यूनिकेट कर जाते हैं या फिर हो सकता है आप किसी तरह से लोगों की बात को समझ नहीं पाते बट कहीं ना कहीं हो सकता है आपका लोगों के साथ कम्युनिकेशन में या तो क्लैश रहता है या फिर आप अपनी बात समझा नहीं पाते लोगों को ये लगता है या फिर हो सकता है लोगों को लगता है कि आप उनकी बातों को गलत समझ लेते हो या फिर आप ख़ुद कोई चीज़ों को लाइक क्लियर नहीं कर पाते या फिर आपको आइडिया ही नहीं है कि आप किस तरह से किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो या फिर किस तरह से अपनी क्लरिफिकेशन में कुछ बोल सकते हो यस yes. ये एनर्जी आ रही है बट लोगों को लगता है गाइस के जैसे आप लोग ना अपनी लाइफ में खुद को ज़्यादा स्टेबल करना चाहते हो एंड वी हैव इट्स अ हार्ड चक्रा कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ तो आ, आप कुछ लोगों को अपने दिल से डील करते हो जहाँ पे लोगों को लगता है कि शायद आपकी उनके साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन जाती हैं या फिर आप कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन उनके साथ क्लियर कर नहीं पाते या फिर जिन लोगों के साथ आप डिसाइड करते हो कि आपको उनके साथ चलना चाहिए वो लोग आपको शायद कहीं ना कहीं हर्ट कर जाते हैं बिकॉज़ लोगों की नज़र में है कि आप लोग जो हो दिल के कहीं ना कहीं अच्छे हो बट लोग आपको ना गलत समझ लेते हैं या फिर आपके अच्छाई का या फिर आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा लेते हैं कुछ लोगों की तरफ से ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है बट इनको लगता है कि आपका हा दिल है जो यू गाइज़ अ बिग हार्ट बट लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ से शायद फ़ायदा उठाते हैं या फिर उठाते रहे हैं जिसकी वजह से आप लोगों ने ज़्यादा अपने आप को इमोशनली इन्वेस्ट करना कहीं भी बंद कर दिया है या फिर हो सकता है अब ज़्यादा अब अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने दिल को जो है वो आप क्लोज़ करके रखते हैं बिकॉज हो सकता है आपका यहाँ तो दिल टूटा हुआ है या फिर किसी ना किसी वजह से आपको कुछ ना कुछ ऐसा हर्ट मिला हुआ है जहाँ से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हो अपनी लाइफ में दैट्स वाई आप लोग कम्युनिकेशन किसी से करते भी हो तो बहुत ही ज़्यादा लाइक लॉजिकल वे में कम्युनिकेशन होती है ज़्यादा इमोशनल वे में कम्युनिकेशन नहीं होती बिकॉज आपका ज़्यादा फोकस जो है वो अपनी लाइफ में अपनी लाइक स्टेबिलिटी की तरफ है या अपने uh, आप को फिनंशली आप स्टेबल करना चाहते हो यस देन वी हैव पैशन इग्नाइट लोगों को लगता है कि आपके अंदर डेफिनेटली एक पैशन है जिसकी वजह से उनको लगता है कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट करते हो उनको इधर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपने कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज भी बहुत ज़्यादा किया है अपनी लाइफ में यहाँ फिर लोगों को लगता है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस से गुजरते हो और आप अपने आप को शायद चेंज करते भी रहते हो एंड ऑल्सो का लोग सोचते हैं कि आप लोग जो हो ना अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैंटली चीज़ों को कहीं ना कहीं प्लान करते रहते हो बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते रहते हो कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो किस तरह से uh, आप अपनी लाइफ में चेंजिंग लेकर आ सकते हो एक uh, पॉजिटिव वे में एंड ऑल्सो साथ ही साथ लोग आपके बारे में जो सोचते हैं ना उनको लगता है आप बहुत ज़्यादा एक, एक, एक अट्रैक्टिव पर्सन हो फिज़िकली भी लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं या तो आप कोई फ़ैशन ऐसा करते हो या फिर अपने आप को आप विद टाइम कुछ ऐसा चेंज करते हो कुछ ना कुछ आपकी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन चलती है जहाँ से आप शायद खुद के अंदर कुछ ना कुछ विद टाइम uh, या फिर ट्रेंड uh, के साथ साथ जो है चेंज करते रहते हो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है लोग सोचते हैं कि आपके अंदर एक पैशन है आप उनको अट्रैक्ट करते हो लाइक आपकी तरफ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उनको लगता है आपके अंदर एक चाम है जिसकी वजह से हो सकता है कुछ लोगों को आपसे बात करना अच्छा भी लगता है बट आप ज़्यादा ओपन अप नहीं होते क्योंकि उनको लगता है शायद हो सकता है आपका कोई पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है या फिर किसी वजह से आप लोगों की लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस चल रही है दैट्स वाई आप ज़्यादा कम्युनिकेशन करना पसंद नहीं करते बहुत कम लोगों के साथ हो सकता है आप ज्यादा इन्वेस्ट कर करते हो खुद को इमोशनली हम्म यस और हो सकता है आप में से कुछ लोग डेफिनेटली लोगों के साथ टर्म्स नए नए बनाना भी पसंद करते हो जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि आपको नए लोगों के साथ मिलना या नए टर्म्स बनाना Uh, अच्छा लगता है कुछ लोगों आप में से कुछ लोगों के अंदर डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती हैं जिसको लेकर लोगों को लगता है या सोचते हैं कि आप एक अच्छा कम्युनिकेशन करते हो लेकिन कुछ लोगों को लगता यह भी है कि आप में से बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों की कम्युनिकेशन बिल्कुल अच्छी नहीं है और जिनकी अच्छी है तो उनकी बहुत अच्छी है यहाँ फिर आप हर एक इंसान को उसकी नेचर के अकॉर्डिंग डील करते हो या फिर आपका उसके साथ कैसा रिश्ता है कैसा कनेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप डील करते हो उस तरह से उसके साथ कम्युनिकेट करते हो लोगों को लगता है एंड देन वी हैव पेशेंस एंड प्लानिंग यस कुछ लोग तो सोचते हैं आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है एंड ऑल्सो आप साथ साथ हर चीज़ को जो है वो प्लानिंग करके लेकर चलते हो आप में डेफ़िनेटली uh, बहुत ज़्यादा सब्र है किसी रिश्ते में अगर आप इन्वेस्ट करते हो या फिर किसी जगह पर आप इन्वेस्ट करते हो तो डेफ़िनेटली आप उस चीज़ का इनपुट uh, दे रहे हो उसके आउटपुट का वेट करते हो यह yes, सब अपनी तरफ से हो सकता है काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर हो सकते हो अगर फैनेशली बात की जाए तो लोगों को लगता है मे भी आप लोगों ने हो सकता है काफ़ी जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी ली हुई है या फिर कुछ भी आपका बिजनेस ऐसा हो सकता है जिसमें आप लोगों ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ों को इन्वेस्ट किया हुआ है और अच्छी प्लानिंग के साथ आपने इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर आप करते भी हो और उसका मे भी आप लोग आप लाइक like रिवॉर्ड आपको अच्छा मिलता है क्योंकि आप पेशेंटली वेट करते हो कि कब जो है वो रेट अप होंगे या फिर चीज़ें जो हैं वो कब जो है वो अप टू डेट होंगी देन आपको एक अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिलता है देखने को हुँ? अपने आपों में भी आ, कुछ लोगों का हो सकता है यहाँ पे रियल स्टेट का बिज़नेस भी हो सकता है आप आप लोगों का स्पेशली एंड दैन वी हैव ट्रूथ या लोगों को लगता है आप दिल से बहुत ज्यादा सच्चे हो या फिर आप हो सकता है बहुत ज़्यादा सच बोलते हो और उस वजह से शायद आप में थोड़ी सी चीज़ ये भी हो सकती है कि आप सच बोलने वाले को ही पसंद करते हो या फिर हो सकता है अगर कोई झूठ बोल रहा है तो आप जज कर लेते हो कि ये इंसान झूठ बोल रहा है ये इंसान सच नहीं बोल रहा तो कुछ ना कुछ आप ऐसी कम्युनिकेट करते हो कि जिससे इंसान जो है वो सच बोलने पे कहीं ना कहीं मजबूर हो जाता है जो बहुत ज़्यादा कंपल्सिव लायर बने होते हैं वो सच बोल ही देते हैं आप लोगों के सामने बिकॉज आपके अंदर एक स्किल ऐसी हो सकती है कि आपने किस तरह से कम्युनिकेट करना है और लोगों के दिल से एक यहाँ पे लोगों के अंदर जो चल रहा है उस चीज़ों का सच अपने सामने लेकर आना है या हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुद जज भी करते हो या yeah. कुछ ना कुछ आप सच बोल देते हो ऐसा जिसकी वजह से शायद हो सकता है लोगों को संभाव कहीं ना कहीं बुरा भी लग जाता है या फिर लोगों का दिल भी उस वजह से काफ़ी हर्ट हो जाता है ये लोग आपके बारे में सोचते हैं जो अनर्जीज दिख रही हैं मे भी आप लोगों आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाइक स्केल पे रख के जज करते हो एंड आप में से बहुत सारे लोग डेफ़िनेटली इक्वल टेक पे बिलीव करते हो कि अगर आप किसी की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप को भी बदले में आपकी हर एनर्जी, आपका टाइम रेसिप्रोकेट किया जाए वन साइड कनेक्शन में मे भी आप लोग इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हाँ एक हद हाँ तक आप वेट करते हो बट उसके बाद आई थिंक आप फिर आ, या तो जज करना स्टार्ट कर देते हो या फिर सामने वाले के साथ क्लियर बात करते हो हुं? ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है ट्वेंटी आपकी इनकी एज हो सकती है ट्वेंटी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है कुछ लोगों की तरफ से ट्वेंटी फोर ट्वेंटी वन ट्वेंटी सेवन एंड यस ये नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं ट्रिपल वन काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से फोटी फोर मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर फोर्टी प्लस एज हो सकती है फोर्टी वन फोर्टी टू फोटी सेवन ट्रिपल ट्रिपल वन यस नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड डबल सेवन नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है डबल फोर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है सेगेटेरियस की अनर्जी है एरिस लियो भी है एरिस बहुत स्ट्रॉग है सेगेटेरियस बहुत स्ट्रॉग है स्कॉपियो बहुत स्ट्रॉग है अदरवाइज स्टोरसप्रको कैप्रिकोन एंड जेमिन लिबरा क्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे सो येस दिस इज योर रीडिंग आइज आई होप दिस विल रेजनट्स विद यू मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा आई विल सी इन टुमोरो बाई